मुंबई में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। 153 सेंटर्स पर 60 प्लस बुजुर्गों को लगाया जाएगा टीका, यह तैयारी की गई है। मुंबई में आज 13 सेंटर पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। आज मुंबई के हर सेंटर पर 100-100 डोज लगाई जाएगी और लोगों को वैक्सीनेट करने का काम आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, इस वक्त वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर कितना जरूरी है, कोरोना से बचाव की दिशा में हमारे पास ये एक बड़ा हथियार है, लेकिन जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की परेशानियां वैक्सीनेशन को लेकर सामने आ रही है, वैक्सीन को लेकर सामने आ रही है, क्या आपको लगता है ये कितनी बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए हमारी सरकारों के लिए? और दूसरा सवाल कि कब तक इस संकट को खत्म कर लिया जाएगा पूरी तरह से? आप एज एन एक्सपर्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू समीर। पहले तो मैं उन सब लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जो आप जो अभी तक बता रहे थे ऑपरेशन हो रहा है बहुत बड़ा, शायद ये नेवी का इस तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा हिस्ट्री में, और अलग अलग जगह पे ये लोग फंस गए, और मैं उनकी सुरक्षा की आपके चैनल के ज़रिए से कामना करता हूँ। और उसके बाद जो हमारे गांव में पीड़ित लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं जी, जिनके पास तक हमको बहुत जल्दी पहुँच जाना है, उनकी भी सुरक्षा की कामना करता हूँ। समीर भाई, ये इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल घड़ी में हैं, और आपने ये कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है, सही बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, देश के लिए भी चुनौती है, और बाहर से हमको टीके भी लाने पड़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टॉक्स है हम उसमें डेफिशिएंट हैं। इधर ज़्यादा बड़ी तादाद को हमको वैक्सीनेशन करना है, हमको 18 के नीचे वालों को भी इंक्लूड करना है बहुत जल्दी। तो हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में जैसा कि आपने कहा कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें देखिए, एक तो दो दिन बॉम्बे का भी अभी वैक्सीनेशन बन रहा है, इस तरह की जो आपदाएँ हैं उसमें आपदा के अंदर आपदा आ रही है। तो हमारे पास जो इस वक्त अच्छी खबर कल आई थी वो ये थी कि यूके ने हमारा वैक्सीन जो है, जो कोवैक्सीन है, उसको रिकग्नाइज़ किया और हमें इज्जत दी कि हमारा वैक्सीन जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जो नए स्ट्रेन आए हैं, ख़ासतौर से उनका यूके स्ट्रेन आया है 616, उसके खिलाफ भी काम कर रहा है, और इस साथ साथ कोवैक्सीन की एंट्री भी हो रही है, और कहीं कहीं कोवैक्सीन दिया भी जा चुका है। तो हमको इस समय जो चुनौती है वो टीकों के लिए कच्चा माल बाहर से आयात करने की है, हमें स्पुतनिक को इंट्रोड्यूस करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि जो वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर पाबंदियां हैं उनको बाईपास करते हुए हमको वैक्सीन का रॉ मटेरियल लाना है। और इसके अलावा मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिन मुल्कों में, बड़े मुल्कों में सरप्लस वैक्सीन है, हम उनसे लोन भी ले सकते हैं। तो ये सब लिए बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर, ये तमाम जो चुनौतियां हैं उनका सामना देश को करना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।